सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन बर्ड्स एवरी। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल गगन बर्ड्स एवरी में। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने जा रहा है, जैसा कि आप देख ही सकते हो, हम एवरी में आ गए हैं सुबह मॉर्निंग में, और हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश का भी अलर्ट है, लेकिन अभी बारिश हुई नहीं है। पीछे दो दिन बारिश हुई है, तो अभी फिलहाल जो है बारिश एक दिन नहीं हुई है, कल का और आज का अलर्ट दे रखा है बारिश का। तो फ्रेंड्स, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सेटअप चारों तरफ से कवर्ड है, कहीं कहीं से थोड़ा बहुत खुला हुआ है, तो बाकी वो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए थोड़ी बहुत हवा चाहिए भी, नहीं तो स्मेल हो जाती है सेटअप के अंदर। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है हमारा सॉफ्ट फूड्स और पानी के ऊपर। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये हम नीम गर्म पानी लेके आ गए हैं, और जैसे रोज की तरह ये हमारे पानी के बर्तन वॉश किए हुए, और ये हमारा सॉफ्ट फूड्स आ गया है। ये देखें आप सॉफ्ट फूड में आज हमने बॉयल राइस भी मिला दिए हैं, और बिल्कुल गरम गरम है, ये देख सकते हैं आप लोग, भाप निकल रही है इसमें से, ठीक है। तो आज ये सॉफ्ट फूड हम अपने बर्ड को सर्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बर्ड को जैसे हम ये देते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से खाते हैं हमारे बर्ड। और इसमें हरी मूंग की दाल है, काला चना है, गेहूं है और बॉयल राइस है। तो ये मैंने क्या किया है कि बॉयल राइस तो हमारे बिल्कुल फ्रेश बने हुए हैं अभी के मॉर्निंग के ही, और ये जो है काले चने, गेहूं और हरी मूंग की दाल जो है फ्रेंड्स, ये आजकल क्या है ना कि ये गल नहीं पा रही है। जैसे पहले गर्मियों में जो है ये 12 घंटे में बिल्कुल फूल के तैयार हो जाती थी, तो ये सर्दी की वजह से ना ये दाल वगैरह मतलब फूल नहीं रहा सॉफ्ट फूड। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम 24 से 36 घंटे फुल भिगो रहे हैं, बार बार इसका पानी चेंज करते हैं, और इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल देते हैं, ताकि जो है ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक भिगोने के कारण जो है इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह या झाग वाग से हो जाते हैं, वो चीज़ ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने क्या किया है कि इसको पहले अच्छी तरह वॉश किया है, वॉश करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा गर्म पानी डाल के छोड़ा है, ताकि इसकी जो तासीर है वो गर्म हो जाए, क्योंकि ठंडे पानी में भीगा रहा पूरी रात, तो 12 घंटे पुराना पानी जो हो जाता है उससे तासीर ठंडी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने इस तरीके से मतलब गर्म पानी डाल के और इसको ढक के थोड़ी देर छोड़ दिया, तो ये आप देख सकते हैं इसमें से भाप निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका करते हैं सिस्टम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने बर्ड्स को किस तरीके से पानी मिलाया है गर्म, और आधी बाल्टी पानी था इसमें ठंडा, तो ये नीम गर्म 5 लीटर पानी हो गया ये हमारे पास, और 5 लीटर पानी मेरे पूरे सेटअप में यूज हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारे सेटअप का व्यू, और सभी बर्ड्स जो है अब सॉफ्ट फूड इनको दिख चुका है, तो सॉफ्ट फूड दिखने के बाद ये सब जो है बेताब हो रहे हैं सॉफ्ट फूड के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, दिखाता हूँ मैं आपको सर्व करके, बने रहे हैं आप वीडियो में एंड तक, और जो वाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। बर्ड्स को पानी और सॉफ्ट फूड देने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड हम रखते हैं पहले साइड में, या फिर पहले सॉफ्ट फूड ही दे देते हैं सभी बर्ड्स को। मैं सबकी कटोरियां निकाल लेता हूँ सॉफ्ट फूड की, ये आप जैसा कि देख ही सकते हैं सबकी मैंने कटोरियां निकाल ली सॉफ्ट फूड की, और उधर वालों की कटोरियां हमने पहले ही निकाल के रखी थी ऑलरेडी। ये जो नए केज लगे हैं चाइनीज वाले, इनमें तो हम प्लास्टिक की जो बाउल है उनमें ही दे देते हैं इनको सबको जो है थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फूड। अब आप देख ही सकते हैं बर्ड की हलचल कुछ ज्यादा हो गई है, इनको पता चल गया है कि सॉफ्ट फूड मिलने वाला है, तो सभी जो है ये मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं लगा देता हूँ फटाफट फटाफट, इनमें कोई ज्यादा काम वाला कोई काम नहीं है। ये लो बेटा, चलो तुम भी खाओ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये देखो मैंने इन पिंजरों में लगा दिया है, मुर्गे को भी दे दिया, अब हमें देना है इस तरफ। तो पहले हम दे रहे हैं इनको सबको सॉफ्ट फूड्स, ये देखिए ये सब की चीनी मिट्टी की कटोरियां, बिल्कुल साफ कटोरियां हैं, तो इस तरीके से हम इनको सबको थोड़ा थोड़ा जो है सॉफ्ट फूड दे देते हैं, ताकि सभी बर्ड्स की हेल्थ वगैरह बिल्कुल फिट रहे। तो ये सनकनूर के केज में हम रख रहे हैं,
और सोच रहा हूँ मैं साथ के साथ इनको जो पानी वगैरह का काम है वो भी साथ के साथ निपटाता रहूँ तो मेरा टाइम बच जाएगा और मैं केज को बार बार नहीं खोलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं हमने पानी भी रख दिया है और इसी तरीके से हम दो कटोरियां उठाएंगे, ये हम इसमें ऊपर वाले में रख देंगे दो कटोरियां, ये सॉफ्ट फूड की हो गई और ये पानी की हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जल्दी जल्दी हम करना चाहें तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं और अगर हम आराम से करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये हमने स्मॉल कनूर्स को रखा और स्मॉल कनूर्स की कटोरियां निकालता हूँ, ये आप देख ही सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे को ना टोपा वगैरह पहनने की आदत नहीं है, आप कहीं देख रहे हो तो मैंने सॉल का सोफा बांधा हुआ है, हम लोग गांव में ज़्यादातर सोफा ही बांधते हैं और मेरे को बिल्कुल गांव जैसी ही आदत पड़ी हुई है, तो मेरे को जो है टोपा वगैरह पसंद नहीं है, मैं सोफा ही बांधता हूँ ज़्यादातर। तो ये दे देते हैं हम अपने चाचू को। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया सॉफ्ट फूड इनका और ये पानी बचा है किसका, ये पानी बचा है हमारे डब का, ये डब को दे देते हैं हम पानी इधर। ठीक है, और थोड़ा सा सॉफ्ट फूड हम दे देते हैं अपनी लॉरी को, इधर जो रेड कलर लॉरी है उसको। अब रह गया इधर का काम हमारा, तो इधर हमारी दो पेयर बजीस हैं, हम बजीस को दे देते हैं सॉफ्ट फूड, पानी भी देना है बजीस को तो पानी भी हम दे ही देते हैं साथ के साथ। ये जावा को पानी रख देते हैं। सेटअप में वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बाकी दाना पानी लगाने में ज्यादा टाइम लगता है, मैं सेटअप के बर्तन वगैरह जो वॉश करने होते हैं उसमें और सेटअप के जो सफाई होती है उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है हमें उस चीज में, वैसे दाना पानी लगाने में हमें इतना टाइम नहीं लगता है। दाना पानी तो समझ लो कि एक घंटे के अंदर अंदर हम बिल्कुल फिट कर देते हैं, बस हमें दिक्कत सफाई में होती है, सफाई के दौरान जो है बर्ड्स को सारी चीजें, केज की ट्रे हो गई, सेटअप का फर्श हो गया, बर्तन हो गए, सॉफ्ट फूड के, पानी के, इसमें बड़ा टाइम लगता है, मेहनत का काम भी है क्योंकि रोजाना एक बाल्टी बर्तन मांजना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन क्या करें, शौक है तो कर रहे हैं, शौक नहीं होता तो नहीं करते, ये सब शौक की मार है फ्रेंड्स, जो कि ये सारा काम हो रहा है, नहीं तो बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। वो एक कहावत है, लोग कहते हैं कि शौक की कोई कीमत नहीं होती है, शौक अनमोल होता है, तो इसी तरीके से ये सब अनमोल काम है, ये आप देख ही सकते हैं। और अभी मेरे को ड्यूटी भी जाना है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से टाइम निकालना पड़ता होगा, ड्यूटी भी जाना, सेटअप भी देखना, सारे काम, तो फिर है तो खैर मुश्किल ही, लेकिन क्या करें, कर तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई शौक हम कर रहे हैं तो कोई और तो भाई बर्ड को देखेगा नहीं, हमें ही देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी बर्ड्स को पानी और सब फूड मैंने साथ साथ ही लगा दिया है, इधर वालों को और इधर वालों को भी हम पानी दोबारा से लगाते हैं, क्योंकि उधर से मैंने शुरुआत की थी, उधर मैंने पानी नहीं लगाया था, है बड़ा मुश्किल का काम।
ब्रीडिंग वगैरह भी थोड़ी हल्की ही है अभी, यूं करके ज़्यादा लोड नहीं है अपने ऊपर। ब्रीडिंग जब हो जाती है तो लोड बढ़ जाता है, क्योंकि बेबीज वगैरह को हैंड फीडिंग वगैरह करानी है, दिन रात को 2-3 बार करानी होती है और सुबह भी। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये हमने समथिंग सबको पानी लगा दिया है, इसमें हमारे सारे बर्ड आ गए पानी वगैरह लगाने के बाद। अब इधर हमारे रह गए हैं मॉन्क पैराकेट, ये देखिए जैसा कि हमने मॉन्क को लगा दिया इधर पानी, एक्सरसाइज हो जाती है फ्रेंड्स कमर की पूरी। थोड़ा पानी बचा है ये दे देते हैं हम चाचा वाले बेर को, पानी हो गया हमारा खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखें, देख ही सकते हैं इस तरीके से हमने ये अपने सेटअप को, सेटअप में हमारे जो बर्ड थे अपने सबको जो है सॉफ्ट फूड वगैरह रख दिया है। थोड़ा सा सॉफ्ट फूड बचा है तो ये हम दे देंगे इसको, ये थोड़ी सी थोड़े से चावल हैं ये हम देंगे अपनी जावा को, हमारी जावा खा लेगी। और बाकी तो इधर किसको देना है, इधर इनको हो गया, थोड़ा सा हम इधर को सनकनूर को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये थोड़े से बच्चे हैं, ये खा लेंगे बेचारे, बस ज़्यादा दे देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इनको। हाँ टोटो नहीं, ये जो है पानी को देख के पागल हो जाते हैं इन, तो इनका पानी हम निकाल ही लेते हैं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये लोग हो जाते हैं बिल्कुल बावले पानी को देख करके। मैं नहीं चाहता कि ये बेकार में कीचड़ काचड़ करें, क्योंकि इनके केज की कली सफाई वगैरह की है फ्रेंड्स मैंने। तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, और मॉन्क को भी हमने रख दिया था, मॉन्क का भी जो है अपनी मैडम के साथ बैठा हुआ है, इधर मॉन्क को रख दिया है, ये देखें ये भी, और इधर ये चाचा भी सॉफ्ट फूड खा रहा है। हीरो की मैडम भी सदमे से थोड़ी थोड़ी बाहर आई है, ये देख सकते हैं आप, वो भी थोड़ा मुंह मार रही है सॉफ्ट फूड में। और ये हमारा पुराना वाला पेयर, और ये हमारा स्मॉल कनूर, आप देख ही सकते हैं ये भी जो है सॉफ्ट फूड खा रहे हैं एंजॉय करके। और इधर ये हमारी बजीज पैरेट, मैं आपको दिखाता हूँ, सारे ऑल टोटल बर्ड्स हमारे जो है सॉफ्ट फूड्स पर आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं ये हमारे लव बर्ड्स वगैरह, कुछ लव बर्ड्स अभी झांक ही रहे हैं कि केज में भाई क्या क्या नाश्ता पानी रखा गया है। तो इस तरीके से जो है ये लोग, ये देख सकते हैं ये डब, हमारी डब आप देखिए कितनी बड़ी हो गई है। जिन भाइयों ने डब की पुरानी वीडियो देखी हो, जब ये डब आई थी आज से 2 महीने पहले, तो डब की कंडीशन क्या थी, और आज देखें आप डब की कंडीशन, डब भी हमारी हेल्दी हो चुकी है पहले से। और जब ये आई थी इसकी त्वचा पे एक भी दाना एक्सचेंज करने लग जाता है, मैं दिखाऊं आपको, ये देखें आप। और इसके लिए कल देखते हैं, कल कोई मेल अगर मिलता है ढंग का तो मेल लाएंगे। ये हमारा मॉन्क भी आ चुका है सॉफ्ट फूड पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।